हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस करूँगा। ये हायर का आप मशीन देख रहे हो, फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ठीक है। तो इसमें कुछ इस प्रकार का एरर आ रहा है, आप देख सकते हो। मैं इसको चालू करूँगा, ठीक। अभी ये मैं चालू किया, वास ये सब सही है, लेकिन स्पिन मोड में डालता हूँ तो आप देख सकते हो स्पिन ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये रेन मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, ये स्पिन नहीं चला रहा है। आखिर इसका रीज़न बहुत सारे टेक्नीशियन इस चीज़ का फेस करते होंगे, तो आखिर किस वजह से ये मोड आ रहा है मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। मैं ऑलरेडी दूसरा मशीन ओपन करके रखा हूँ आपके सामने, मैंने इधर सारा पीसीबी चेंज किया, लेकिन इससे कोई इशू नहीं है। आपका जो ये ड्रम स्विच है ना, जो ड्रम चालू ड्रम जैसे चालू होता है, इसको कनेक्ट करता है, ऑन ऑफ करता है, ठीक है। तो ये स्विच क्या होता है कि जब ड्रम चालू होता है ना, स्पिन चालू होता है, तो ये स्विच ऑफ होना, अगर ऑफ हुआ तो आपका ड्रम स्पिन इजीली घूमेगा, नहीं हुआ तो ये रेन मोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसी के लिए हम यहाँ पे आपको एक डेमो दिखाते हैं। चलिए हम देखते हैं डेमो। अभी हम मशीन को ऑन करेंगे, ये हमारा स्पिन मोड चालू हो गया, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये ड्रम नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी वो रेन मोड में एक्टिव हो जाएगा, रेन मोड में एक्टिव हो गया, अभी हम दिखाते हैं, ठीक है। अभी इस स्विच को हम बंद कर दिए, अब देखिए आपका ड्रम इजीली चलेगा। देखिए आपका ड्रम चलने लगा ना, ठीक है, स्पिन भी करने लगा इजीली, ठीक है। अगर इसी को हम फिर छोड़ देते हैं तो फिर ये हमारा रेन मोड में चला जाता है, ठीक है। आपका सोल्यूशन यही है कि आप इसका ड्रम का जो इधर एक स्विच लगा रहता है, उस स्विच को आप चेक कर लीजिए, उसमें बराबर से मतलब वो स्विच ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो स्विच को डायरेक्ट कर दीजिए, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपको सूटेबल लगे। आपके पास अगर अवेलेबल रहेगा ड्रम स्विच, यहाँ पे एक ड्रम स्विच लगा रहता है जो ड्रम को जब इधर वो अप डाउन करता है, ठीक है। तो ये ड्रम जब स्टार्ट होगा ना, तो ये थोड़ा सा इधर बाइक हो जाता है और वो क्लोज हो जाता है, दब के क्लोज हो जाता है, और क्लोज होने के बाद ड्रम ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, ठीक है। तो गाइज, इस प्रॉब्लम से आपको समस्या का सलूशन तो मिल गया। नेक्स्ट टाइम आपको कुछ नया प्रॉब्लम लेके आएंगे, जिसको आपको आगे परेशानी ना हो। थैंक यू।